हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट 09M में। इस वीडियो में हम पहले देखेंगे निफ्टी 50 का डे चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद 5 मिनट का चार्ट देखेंगे कि जो मार्केट है वो क्या कामकाज कर सकता है कल के दिन, यानी कि 17 अक्टूबर को कहाँ पे कामकाज कर सकता है, और जो डे कैंडल है वो किस तरीके का बन सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। सारा एनालिसिस डिटेल में करेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो जो है हमारा वो जरूर देखिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे डोजी कैंडल बनते हुए आज आपको दिख गया, मैंने कल का वीडियो में बोला था दोस्तों, आप जाकर के देख सकते हैं फ्राइडे का मेरा वीडियो जो अपलोड किए थे, कि मैंने बोला था साफ साफ क्लियर कट कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन बना है, तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल आपको बनते हुए दिख सकता है एक रेड कलर का। आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, वीडियो के अंत में मैंने जो डे एनालिसिस किया है उसमें मैंने बोला था सेम चीज, और आप देख सकते हैं सेम एज इट इज यहाँ पर डोजी बनते हुए आज दिख गया है मार्केट में। तो ज्यादा मार्केट नहीं दोस्तों, जो निफ्टी 50 है 195 पॉइंट का जो है रेंज में मार्केट रह गया, और अप और डाउन जो है इसका हाई और लो 95 पॉइंट्स का है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कल के दिन जो है डे कैंडल में कैसा कैंडल बन सकता है वो देख लेते हैं निफ्टी 50 का। तो कल के दिन दोस्तों यहाँ पे ग्रीन कैंडल ज्यादा चांसेस है बनने का। ठीक है, ग्रीन कैंडल एक इस तरीके का बनने का ज्यादा चांसेस है। क्यों है, इसके पीछे रीजन देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ डोजी बना था, फिर ग्रीन बना था, फिर एक रेड डोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल बना था। इस तरीके का पैटर्न यहाँ भी चल रहा है। ठीक है, एक रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन इस तरीके का चल रहा है। तो यहाँ पे एक रेड बना है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे ग्रीन बना है, उसके बाद रेड बना है। ठीक है, और ये डोजी बना है, तो ज्यादा उम्मीद है दोस्तों कि और ये डोजी जो क्लोजिंग दिया है ये कैंडल का हाफ के ऊपर दिया है। ठीक है, 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ज्यादा चांसेस है दोस्तों कि कल के दिन जो है यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ तक का एक कैंडल इस तरीके का मैं बना करके दिखा देता हूँ, इस तरीके का एक कैंडल ग्रीन, ये जो रहेगा कैंडल ये ग्रीन रहेगा। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनते हुए कल के दिन दिख सकता है, तो इस पर ज्यादा फोकस करिएगा दोस्तों। ठीक है, और जब तक हम लोग ये लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे दोस्तों, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 19,800 का लेवल। 19,800 का लेवल डे डे चार्ट पर जो है वो क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक ये क्लोजिंग ऊपर नहीं देता है तब तक हम लोग नया जो बुलिश का ट्रेंड है वो नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, निफ्टी में हम लोग का जब कब बहुत स्पीड से बाइंग आएगा, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हम लोग का हो जाता है तब हम लोग यहाँ से जो है अप डायरेक्शन में बहुत फास्ट जाते हुए आपको दिख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हो सकता है मार्केट की बहुत समय बिताने का इस रेंज में कोशिश करे। मैंने लास्ट बार भी यही बोला था कि इस तरीके का देखिए यहाँ पे 4, 5, 6, 7 कैंडल जो था यहाँ पे समय बिताते हुए दिखा इस रेंज में। देखिए इस रेंज में समय बिताते हुए दिखा, तो यहाँ पे भी 4 कैंडल हो चुका है और 1 से 2 कैंडल यहाँ पे समय बिता करके, और अगर ये ऊपर निकलता है तो बहुत तेजी से ऊपर निकलते हुए आपको मार्केट जो है निफ्टी 50 दिख सकता है। तो चलिए इसी वीडियो में हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे है, और जो है निफ्टी 50 वो कैसे काम कर सकता है कल के दिन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आज मार्केट फ्लैट खुला, यहाँ पर फ्लैट खुला। फ्लैट खुलने के बाद हमारा एनालिसिस जो था 5 मिनट के चार्ट पे वो एकदम सिंपल था दोस्तों, कि फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो हम लोग पी लेंगे। जो पहला टारगेट हमारा था कि कल का लो, यानी कि थर्सडे दिन का लो था पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हमारा जो यहाँ पे आप एक गैप था, आपको चलिए दिखाते हैं यहाँ पे गैप। ठीक है, ये देखिए ये लो हमारा पहला टारगेट था, उसके बाद हमारा ये टारगेट था ये, और तीसरा टारगेट ये गैप था। ये 3 टारगेट के लिए पीई में काम करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। मार्केट में जो था आज डोजी कैंडल बना, डोजी के कारण जो है मार्केट अप जा करके डाउन जा करके अब बीच में कहीं क्लोजिंग आपको देते हुए दिख गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो यानी कि कल का जो है दोस्तों मार्केट इस लाइन को भी पार नहीं कर पाया और इस लाइन को भी नहीं कर पाया, इस रेंज में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेंज जो है इस रेंज में रह गया मार्केट। ठीक है, तो बड़ा मूव जो हम लोग का एक्सपेक्टेड था कि बड़ा मूव आएगा वो आया नहीं, और पूरा टाइम पास करके मार्केट जो है प्रीमियम डिके करते हुए आपको दिख गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कल के दिन क्या 5 मिनट में सिनेरियो बन रहा है और कल के दिन क्या हो सकता है। तो सिंपल है दोस्तों, कल के दिन अगर आज का लो जो है, ये जो आज का लो है इसको मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद या गैप डाउन से किसी भी तरह से ब्रेक कर देता है कल के दिन, तो हमारा पहला जो टारगेट होगा सेम होगा जो कि 19,635। ठीक है,
दूसरा टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा टारगेट ड्रॉ करके नहीं रखे हैं लेकिन यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं आपके जस्ट सामने, तो आप समझ जाएंगे दूसरा टारगेट हमारा क्या होगा। दूसरा टारगेट आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा 19,580 का है, और तीसरा ये गैप का होगा दोस्तों, यहाँ तक का जो है गैप इसको फिल करते हुए आपको दिख सकता है मार्केट जो कि 19,500। ये तीन टारगेट हमारा रहेगा दोस्तों, नीचे में थोड़ा बड़ा बड़ा टारगेट आ रहा है पीई में, ठीक है, क्योंकि आज का जो मार्केट है वो डोजी बना और कल के हाई से ऊपर नहीं निकला इस वजह से। तो आप देख लेते हैं दोस्तों कि अगर मार्केट जैसा कि मैंने बताया अगर फ्लैट खुलता है और इसको ब्रेक करता है तभी पीई लेना है, इससे पहले पीई नहीं लेना है दोस्तों। अगर कल के लो के ऊपर मार्केट रहता है या तो गैप डाउन से रहे या फ्लैट खुल के रहे, तब तक आपको पीई नहीं लेना है कल, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के यहीं पर कॉन्सोलिडेट करते रहता है, समय बिताता है, तो तुरंत पीई नहीं ले लेना है दोस्तों, इस पर ध्यान रखिएगा पहला। दूसरा कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होगा इसके अंदर ही, गैप डाउन होगा यानी कि छोटा गैप डाउन होगा और इसके अंदर ही मार्केट रहता है और टाइम पास करता है, तब भी आपको पीई नहीं लेना है कल के दिन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं कर दे जो कि 19,690 का लेवल, तब जाकर के आप यहाँ पर पीई ले सकते हैं। यहाँ से फ्लैट खुलने के बाद वो अप जाता है और इस लाइन को ब्रेक करता है जो कि आज कंसोलिडेट किया है, इस लाइन को आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक स्विंग बना था तो ब्रेकआउट दिया था, फिर यहाँ पर आ करके एक ब्रेकडाउन भी दिया था, तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को फ्लैट खुलने के बाद ब्रेक कर देता है और सस्टेन करता है ऊपर में मार्केट इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से सस्टेन किया है, तो कल के दिन फ्लैट खुलने के बाद सस्टेन करता है इस लेवल में, तब जा करके हम लोग का पहला टारगेट ये हो सकता है जो कि 19,790। दूसरा टारगेट आइए हम लोग देख लेते हैं, दूसरा टारगेट हमारा हो सकता है एकदम इजिली, ये दूसरा टारगेट अचीव करते हुए हम लोग को मिलेगा जो कि है 19,840। ये दो टारगेट के लिए हम लोग ऊपर में काम कर सकते हैं और तीसरा भी है 19,880। ये तीन टारगेट के लिए हम लोग ऊपर में काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो। अगर मार्केट जो है निफ्टी फिफ्टी जो है, अगर मार्केट निफ्टी फिफ्टी इस लाइन के ऊपर ही खुल जाता है इस जोन में, जो कि ये जोन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जोन इस जोन में खुल जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत समय बिताते हुए आपको दिख चुका है, इसलिए ये जोन मैंने लेकर के चला है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद इस जोन में समय बिताता है 1 घंटा, जैसे कि आज तो बहुत ज्यादा समय बिता दिया, लेकिन अगर शुरू का 9:15 से लेकर के 10:15 तक यानी 10:30 तक अगर समय बिताता है तो ज्यादा चांसेस रहेगा ऊपर की तरफ ब्रेक देने का दोस्तों, और ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 19,840, और तीसरा टारगेट होगा 19,880। ये तीन टारगेट के लिए हम लोग काम कर सकते हैं कॉल में, कल के दिन इजिली इजिली अचीव करते हुए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। कल उम्मीद कम रहेगा दोस्तों कि साइडवेज मार्केट रहे या एक तरफ जरूर कहीं ब्रेकआउट देगा, या तो ब्रेकआउट ऊपर करेगा या तो ब्रेकआउट नीचे करेगा, उसका आप वेट करिए। वेट करने के बाद जो जिधर भी ब्रेकआउट करे उधर आप एंट्री ले सकते हैं, इजिली आपको जो है टारगेट मिलते हुए दिख जाएगा। हमारा चैनल जो है दोस्तों स्टॉक मार्केट 09 AM, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि हम लोग का बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं सिर्फ आपके लिए, और सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है और लाइक और फॉलो कर देना है बस दोस्तों, और कुछ आपको करना नहीं है। तो सारा एनालिसिस हो गया, कोई भी दिक्कत किसी को भी आ रहा है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब पर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सअप पे भी। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है डाउट, जो चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, वहां से जाकर के आप व्हाट्सअप करिए, आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा, ठीक है। हमारा दोस्तों मकसद यही है चैनल का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करना और इस बारे में बताना, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे एफएनओ में हो, चाहे कुछ भी हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है वो एजुकेशन देना ही हमारा जो चैनल का मकसद है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।